सेवा ही संगठन के मंत्र को लेकर अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा शुरू किए विधायक सहायता केंद्र से कोरोना संक्रमितों उनके परिजनों के साथ कोरोना वॉरियर के लिए मददगार साबित हो रहा है। आज देवनानी ने वैक्सीन युक्त कोरोना मुक्त अजमेर का नारा देते हुए देवनानी ने विधायक कोष से 20 सैनिटाइजर मशीनें अपने विधायक सेवा केंद्र के लिए कार्यकर्ताओं को सुपुर्द की है। विधायक देवनानी ने बताया कि विधायक सेवा केंद्र के पहले चरण में कोरोना संक्रमितों को चिकित्सीय परामर्श भोजन व्यवस्था के साथ 4 अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी। दूसरे चरण में क्षेत्रवासियों को आरोग्य किट वितरित किए गए थे। उसके बाद आज से विधायक सेवा केंद्र के तीसरे चरण के तहत 20 सैनिटाइजर मशीनें दी है, जो कोरोना संक्रमितों के घर जाकर पूरे घर को सैनिटाइज करेंगी। साथ ही क्षेत्र के अन्य स्थानों को भी समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकेगा। इस दौरान वासुदेव देवनानी ने 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों से अधिक वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है। देवनानी ने इस दौरान वैक्सीन युक्त कोरोना मुक्त अजमेर का नारा भी दिया। सेवा ही संगठन है, इस मंत्र को लेकर के प्रारंभ किया गया विधायक सेवा केंद्र। अब तक 2 चरणों में जहाँ निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, घरों पे दवाई पहुंचाने की व्यवस्था और क्वारंटाइन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था और साथ में विवाह और बाकी के समय जो विधान कलेक्टर से प्रशासनिक जो कुछ सहायता है वो देते हुए उससे सैनिटाइजेशन का भी एक प्रकल्प था, उसके तहत आज तीसरे चरण में हमने आज सैनिटाइजेशन मशीनें मंगवाई हैं। ऐसे 20 मशीनें हम कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करा रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में जहाँ भी सैनिटाइजेशन की आवश्यकता होगी वहाँ सैनिटाइज करेंगे। और कहीं कोई कोरोना से ठीक होकर के आया है, जिसके घर में क्वारंटाइन से कोई डेथ हुई है, वहाँ भी सैनिटाइज होगा। इसके माध्यम से हम लोगों का सैनिटाइजेशन कर पाएंगे। इसके दूसरे चरण में हमने परिवार आरोग्य किट का भी वितरण शुरू किया। तब हमने पुलिस वालों को भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको भी किट दिए। इस प्रकार से लगातार ये विधायक सेवा केंद्र काम कर रहा है। इस अवसर पर आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करूँगा कि वे कोरोना के प्रोटोकॉल को पूरी तरह पालन करें, ताकि मास्क भी पहनें और 2 गज की दूरी भी रखें, अनावश्यक कहीं भीड़ भाड़ में न जाएं और बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहें। और साथ में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन की व्यवस्थाएं की हैं, उस वैक्सीनाइजेशन भी रजिस्ट्रेशन कराते हुए अब तो 18 से 44 साल तक के लोग भी अपनी वैक्सीन लगवाएं, ताकि हम अजमेर को वैक्सीन युक्त कोरोना मुक्त इस अजमेर को बनाते हुए इस महामारी से हम निजात दिलाएं। इसके लिए संपर्क कैसे करना है? इससे हेल्पलाइन में नंबर दे रखे हैं, हेल्पलाइन से करें। और जो क्षेत्र की जनता उनको जानती है, वैसे जिनके विधायक पार्षद हैं उनको भी मशीनें पहले से उपलब्ध हैं, जो मैंने पिछली बार भी उपलब्ध कराई थी, अभी निगम ने भी उपलब्ध कराई। जहाँ पे हमारे पार्षद नहीं है, जहाँ पे निगम का क्षेत्र नहीं है, उनमें भी कार्यकर्ताओं के नाम हमने दिए हैं, तो नामों से संपर्क करें। नहीं तो जो 6 नंबर हमारे हेल्पलाइन के हैं उसमें ये बताएंगे, तो हम कार्यकर्ताओं को बताएंगे, वो ले जा करके इस सैनिटाइजेशन करवाएंगे।